Hello everyone, welcome to Anthro World. So in this lecture we are going to discuss about the topic living major primates, जो paper 1 का 1.5 topic है. तो आइए lecture को start करते हैं. हमें यहाँ primates के बारे में पढ़ना है, living major primates के बारे में. तो जो living major primates हैं वो basically दो part में divided हैं, prosimians और anthropoids. और prosimians का further जो species होती हैं होते हैं लेमूर्स, लॉरिसेस और टॉरिसर्स. और जो एंथ्रोपोइड के फर्दर डिवीजन्स होते हैं उसमें आते हैं प्लेटोराइंस और कैटोराइंस. और प्लेटोराइंस फर्दर डिवाइडेड होता है, मीन्स कि जो उसका नेक्स्ट स्पीसीज होता है वो होता है न्यूवर्ड मंकी. और कैटोराइंस का जो नेक्स्ट फर्दर स्पीसीज होता है वो होता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एप्स एंड ह्यूमन. तो आइए एक एक करके इन सारे स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग मेजर प्राइमेट्स हैं. सबसे पहले देखते हैं लेमूर्स के बारे में. तो लेमूर्स का जो लोकेशन है वो मेडागास्कर और कोमोरोस आइलैंड पर है. इनके फीचर्स क्या होते हैं? इनकी जो हाइज होती हैं वो लैटरल होती हैं. जो इनका फोरलिम्स होता है ये इनके हिंडलिम से छोटा होता है. डुप्लेक्स यूटेरस होता है. इनके शरीर में जो गर्भाशय होता है वो डबल होता है, डुप्लेक्स यूटेरस होता है. अब इनके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये आर्बोरियल होते हैं, ये बेसिकली पेड़ पर रहते हैं और डायोरनल होते हैं और ये ग्रुप में रहते हैं. तो ये हो गया इनके बिहेवियर. हम इनका लोकेशन मैप पे एक बार देख लेते हैं. तो ये हमारा वर्ल्ड मैप और ये हमारा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यहाँ पे ये है मेडागास्कर आइलैंड और ये है कोमोरोस आइलैंड. नेक्स्ट देखते हैं लॉरिस के बारे में. तो लॉरिस का जो लोकेशन है वह है श्रीलंका, अफ्रीका, साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया. इनकी फीचर्स क्या होते हैं कि इनके टेल नहीं होती, इनकी पूंछ नहीं होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. और इनकी जो सेकेंड टो होता है वो विद क्लॉज होता है, कि अगर इनकी फाइव फिंगर्स हैं तो इनकी जो सेकेंड जो फिंगर होता है उस पर क्लॉ होता है. जो फर्स्ट प्री मोलर होता है वो कैनाइन जैसा होता है. कैनाइन कैसा होता है? कैनाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो अदर जो टिथ होते हैं उनके साइज से ये बड़ा होता है. और जो इनका फर्स्ट प्री मोलर होता है वो कैनाइन के जस्ट बाद में होता है, तो उसका भी स्ट्रक्चर कैनाइन के जैसा ही होता है. तो ये लुकवाइज काफ़ी सिमिलर होते हैं. अब इनके बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो ये भी आर्बोरियल होते हैं, ये पेड़ पे रहते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, ये रात में भी देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं रात में भी. सॉलिटरी होते हैं, ये ग्रुप में नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं. और ये साई होते हैं, मीन शर्मीले किस्म के होते हैं. इनकी लोकेशन को हम वर्ल्ड मैप पर देखते हैं. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इनका जो लोकेशन है और ये साउथ इंडिया और श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया. तो ये वर्ल्ड मैप पे इनका लोकेशन है. नेक्स्ट देखते हैं टार्सियर्स. टार्सियर्स का जो लोकेशन है वो है फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई. इनकी फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो इनका जो होता है लार्ज पीना होता है. पीना क्या होता है? जो इनके ईयर्स का जो विजिबल पार्ट्स होता है ये बड़ा होता है. आंखें बड़ी होती हैं, लार्ज आइज. इनकी आंखें आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हैं. इलोंगेटेड टार्सल बोन होता है. इनका जो साइज़ होता है वो चूहे के साइज़ के होते हैं. इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है. और इनकी जो पूंछ होती है वो नॉन प्रीहेंसाइल होती है, मीन्स ये पूंछ से पकड़ नहीं सकते हैं, ये फ्री रहती है इनकी पूंछ. इनके बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ये सॉलिटरी होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, रात में देख सकते हैं, और बोरियल होते हैं, पेड़ पर रहते हैं. और ये अपने हेड का रोटेशन 180 डिग्री तक कर सकते हैं. ये वर्ल्ड मैप पे इनके लोकेशन को देखते हैं. तो जो टार्सियर्स का लोकेशन है ये है आपका फिलीपींस, ये लोकेशन मलेशिया का है, ये इंडोनेशिया का लोकेशन है और यहाँ पे लोकेशन ब्रुनेई का है. अब देखते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी. न्यू वर्ल्ड मंकी प्राइमेट्स का ग्रुप है जिसमें स्पाइडर मंकी, टैमेरिन्स, मार्मोसेट, स्क्वायरल मंकी और सीबस और भी तरह के स्पीसीज आते हैं. इनका जो लोकेशन है वो ओनली इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द साउदर्न मैक्सिको. जो साउदर्न मैक्सिको के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ सेंट्रल और साउथ अमेरिका में इनका लोकेशन है. इनके फीचर्स देख लेते हैं. इनकी जो नाक होती है वो फ्लैट होती है और नॉस्ट्रिल के साथ होती है. नॉस्ट्रिल क्या होता है कि जो फॉरहेड और नोज के बीच का जो एरिया होता है, जो फॉरहेड और नोज के बीच का जो उठा हुआ एरिया होता है ये होता है नॉस्ट्रिल. तो नॉस्ट्रिल पाया जाता है इनके में.
और ये अर्बोरियल होते हैं, पेड़ पे रहते हैं, हर्बीवर होते हैं, ये वेजिटेरियन फूड खाते हैं, और इनकी पूंछ जो है वो प्रेहेंसाइल होती है। इस इमेज में आप देखिए तो ये स्पाइडर मंकी है। स्पाइडर मंकी के पूंछ ही प्रेहेंसाइल है, पूंछ से इसने पेड़ की टहनी को पकड़ रखा है, और इसका जो नॉस्ट्रिल है वो हम देख सकते हैं, नाक जो है वो फ्लैट है। नेक्स्ट ये है स्क्वायरल मंकी, तो इनका भी आप देखिए यहाँ पे फ्लैट नोज है, नॉस्ट्रिल के साथ है, और इनकी पूंछ जो है वो प्रेहेंसाइल है। यह है टैमेरिंस और यह है मोरमोसेट, तो ये न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं। मैपिंग का लोकेशन देखते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं साउदर्न मैक्सिको के, तो ये साउदर्न मैक्सिको का एरिया हो गया, और ये साउथ अमेरिका का एरिया हो गया। तो ये न्यू वर्ल्ड मंकी का लोकेशन है। आगे देखते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी बहुत सारे प्राइमेट्स का ग्रुप है, जिसमें बबून, लंगूर, मकाक, मैंड्रिल और भी बहुत तरह के स्पीसीज आती हैं। इनका जो लोकेशन है साउथ एंड ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। इनका बिहेवियर क्या होता है, ये भी आर्बोरियल होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और ये ग्रुप में रहते हैं। इनकी फीचर्स क्या होते हैं कि जो इनकी नॉस्ट्रिल होती है ये डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड होती है, ये डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड होती है। इनकी 7 स्पीसीज होती हैं 2 फैमिलीज़ में, और 2 फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं, सेरकोपिथेसिने और कोलोबिने। फिर जो मकाक होता है वो मोस्ट सक्सेसफुल है, कैसे, बाय स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है, और क्लिनिकल रिसर्च में इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। जो कोलोबाइंस होते हैं, जो हमने 2 फैमिलीज़ देखी, इसमें जो 7 स्पीसीज़ होते हैं, इसमें जो कोलोबाइंस होता है उन्हें हम लीफ ईटिंग मंकीज़ भी कहते हैं। अगर इस पिक्चर में आप देखें तो ये बबून है, ये लंगूर है, मकाक जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और ये मैंड्रिल। अब इनके जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ये इनका लोकेशन है, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया के जापान और कुछ चाइना के पार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एप्स पे। इस ग्रुप में गिब्बन, ऑरंगउटन, गोरिल्ला और चिंपैंजी आते हैं। तो सबसे पहले गिब्बन के बारे में देखते हैं। इनका लोकेशन जो है वो है साउथ ईस्ट एशियाटिक आइलैंड्स, वो कौन कौन से हैं, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस एंड साउदर्न चाइना का पार्ट है। इनके फीचर्स को देखते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट एप होते हैं, और इनकी जो हाइट होती है वो अराउंड 3 फीट की होती है। बॉडी जो है वो फाइन वूली हेयर से कवर होता है, और इनके जो थंब होते हैं, जो इनका अंगूठा होता है, वो परफेक्टली अपोजेबल नहीं होता है। इनकी जो फिंगर्स होती हैं लॉन्ग होती हैं, जिससे ये स्विफ्ट स्विंगिंग करते हैं, ये आसानी से लटक सकते हैं, क्योंकि इनकी उंगलियां काफ़ी लंबी होती है और वो आसानी से पेड़ की शाखाओं को पकड़ के लटक सकते हैं। ये मोनोगेमस फैमिली होती है इनकी, और मोनोगेमस फैमिली में मेल होते हैं, फीमेल और उनका ऑफस्प्रिंग होता है। मेल और फीमेल में इक्वल एग्रेशन होता है। इनको अब वर्ल्ड मैप पे देखते हैं, तो ये हो गया हमारा इंडिया, और इंडिया के ये साउथ ईस्ट में ये पाए जाते हैं इन आइलैंड्स पे। नेक्स्ट देखते हैं ओरंगउटन। ओरंगउटन का लोकेशन क्या है, फॉरेस्ट ऑफ द बोर्नियो एंड नॉर्थ सुमात्रा, जो कि एशिया में ही पाए जाते हैं। इनके जो फीचर्स हैं, इनकी जो हाइट होती है वो अबाउट 5 फीट की होती है। बॉडी कवर्ड होता है लॉन्ग कोर्स हेयर से, जो कि रेडियस और ब्राउन कलर के होते हैं, और इनके फेस, कान और आर्म्स पे हेयर नहीं होते हैं। इनका जो हाथ और पैर दोनों होते हैं, ये लंबे होते हैं और पतले होते हैं। इनका फोरहेड राउंडेड होता है, और इनका जॉ जो होता है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है, और इनका जो फूड होता है उसमें लीव्स होती हैं, वाइल्ड फ्रूट्स खाते हैं, और ये इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। वर्ल्ड मैप पे इनका लोकेशन देखते हैं, तो बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोरिल्ला। गोरिल्ला का जो लोकेशन होता है वो इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अफ्रीका होता है, और इनकी 3 जियोग्राफिकल वेरिएंट्स होते हैं। पहला होता है वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, सेकेंड वन इज़ द ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, एंड थर्ड वन इज़ द माउंटेन गोरिल्ला। इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, और ये रात के टाइम पे पेड़ पे रहते हैं। ये इमरजेंसी में
इरेक्ट वॉक कर सकते हैं, ये सीधे चल सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, जब इन्हें तेज़ भागना होता है। इनका जो स्कल होता है वो मैसिव होता है, आप देख सकते हैं, और इनकी जो हाइट होती है 5 से 6 फीट होती है, और इनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग और ब्लैक हेयर से कवर्ड होते हैं, और ये भी वेजिटेरियन फूड खाते हैं। वर्ल्ड मैप पे इनका लोकेशन देखते हैं, तो ये इक्वेटोरियल रीजन है और ये अफ्रीका के इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चिंपैंजी। चिंपैंजी का लोकेशन जो है वो भी अफ्रीका में ही है, और वो अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनकी फीचर्स क्या होते हैं, इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो अराउंड 5 फीट होती है, बॉडी कवर्ड होता है हेयर से, और इनके फेस, हाथ और पैर पे बाल नहीं होते हैं। इनके जो हाथ होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं और नैरो पतले होते हैं। फिंगर्स जो होती हैं इनकी लंबी होती हैं। थंब जो होता है वो छोटा होता है, अंगूठा इनका छोटा होता है और अपोजेबल होता है। इनकी जो स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये पेड़ पे नेट बनाते हैं और रात में वो पेड़ पे सोते हैं। प्राइमली ये फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हो गया फीचर्स चिंपैंजी का। मैप पे इनका लोकेशन देखते हैं, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन बींग। हम अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ह्यूमन बींग ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। ये ओनली लिविंग स्पीसीज है होमोसेपियंस का। सो इज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल एक स्पीसीज के दो पार्ट्स होते हैं, जो कि दूसरे एप्स में भी पाए जाते हैं, उनके तरीके से ही होता है। ह्यूमंस एंड अफ्रीकन एप्स। अफ्रीकन एप्स में क्या है, चिंपैंजी जो गोरिल्ला होते हैं उनकी सिमिलर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, बोन्स होती हैं, और कुछ ब्लड ग्रुप भी कॉमन होता है। इरेक्ट पोस्चर और बायपेडलिज्म जो होता है वो मॉडिफाइड पेल्विक बोन की वजह से होता है एंड स्पाइनल कॉलम की वजह से होता है। जो ह्यूमंस और चिंपैंजी जो होते हैं वो 96% सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं डीएनए बेस्ड पीएस सीक्वेंस में। तो ये हो गया ह्यूमंस के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @anthropbird.edu, और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @anthropbird। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।